भारत में वैश्विक इक्विटी के मद्देनजर सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। इस बीच MCX पर अक्टूबर सोना 0.3% बढ़कर 50,911 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 0.23% बढ़कर 67,080 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में सोना भाव 0.12% प्रति 10 ग्राम गिरा था, जबकि चांदी लगभग 2% यानी 1300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी थी। फिलहाल अगस्त में 56,200 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से सोने की कीमतें अस्थिर बनी हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 39,00,000 के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 83,341 मामले सामने आने पर देश में दहशत का माहौल बन गया है। साथ बीते 24 घंटों में 1,096 लोगों की मौत से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तुर्की में आतंकवादी संगठन के सदस्यता का झूठा आरोप लगने पर सरकार ने निष्पक्ष सुनवाई के मद्देनजर पिछले 238 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी महिला वकील एब्रू टिमिक की हाल ही में तुर्की ने इस्तांबुल में मौत हो गई। वहीं उनकी मौत से सियासत में गर्मा गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। रिलायंस ने अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने करीब $1 अरब के निवेश को लेकर बातचीत की। गौरतलब इससे पहले भी सिल्वर लेक ने ही रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 1% की हिस्सेदारी 5,655.75 करोड़ रुपए में खरीदी थी। मुंबई में NCB ने रिया समेत सुशांत के हाउस स्टाफ रहे सैमुअल मिरांडा के घर में ड्रग्स के लिए छापेमारी की। वहीं इस बीच NCB को अपने घर में खड़ा देख सैमुअल दंग रह गए। NCB ने करीब 4 घंटों तक रिया और सैमुअल के घर के कोने कोने की तलाशी ली, जिसके बाद उन्होंने सैमुअल को अपने हिरासत में ले लिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। वहीं इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने सोनिया गांधी को लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए एक पत्र भी लिखा है। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय रूस के दौरे पर हैं। इस बीच खबर यह है कि राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर जरूरी मुद्दों पर बात भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मुलाकात के लिए अपील चीन ने ही की थी, जिसे अब भारत स्वीकार कर सकता है। आंध्र प्रदेश में मौजूदा सरकार ने प्रदेश में हो रही सैनिटाइजर पीने और शराब की तस्करी के मद्देनजर शराब की कीमतों में काफी गिरावट की है। वहीं इस दौरान इन गिरावट की वजह से शराब कारोबारियों पर खासा असर देखने को मिला है। इससे पहले लॉकडाउन में छूट के बाद शराब की कीमतों में 75% की तेजी देखी गई थी, जो पड़ोसी राज्यों विशेषकर तेलंगाना की तुलना में बहुत ज्यादा थी। नई दिल्ली में पुलिस ने 2 फर्जी सेना नायकों को ऑनलाइन ठगी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल ये दोनों बदमाश सभी से खुद को सेना का नायक बताकर उनसे घरेलू उत्पादों के विज्ञापन शेयर करते थे, जिसके बाद अगर कोई भी इनके इस काम में दिलचस्पी दिखा देता था तो वो उनके QR कोड को स्वाइप कर बैंक से सारा पैसा उड़ा देते थे। जम्मू कश्मीर में बारामूला के येदीपोरा पट्टन इलाके में छुपे आतंकवादियों ने वहां तैनात सेना बल CRPF पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस वारदात में सेना की जवाबी में कई आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच फायरिंग में पुलिस ASI बाबूराम शहीद हो गए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।